केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में देश भर में अमल में लाई गई भारत बंद की पहल को यवतमाल जिले के साथ ही दिग्रज शहर में भी काबिले तौर प्रतिसाद मिला। दिग्रज शहर में विपक्षी पार्टियों के पदाधिकारियों सहित विभिन्न किसान और सामाजिक संगठनों ने रास्तों पर उतरकर केंद्र सरकार के इस कथित काले कानून और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को समर्थन किया। पेश है ये रिपोर्ट। दिग्रज शहर के शिवाजी चौक में हनुमान मंदिर के सामने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे ये प्रदर्शनकारी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में यहां इकट्ठा हुए हैं। इनमें विपक्षी पार्टियों के स्थानीय नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक तथा किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। मालूम हो कि बीते दो सप्ताह से भी ज्यादा समय दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्य का किसान वर्ग सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में रास्ते पर उतरकर सरकार की खेत और किसान विरोधी नीतियों को कानून की शक्ल में ढलने नहीं देना चाहता। उसके मुताबिक यह कानून किसानों को बर्बाद और पूंजीपतियों को आबाद करने के लिए बनाया जा रहा है। इसी घमासान पर दिग्गज शहर में भी प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हुए नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नारा दिया है। केंद्राने जो कायदा काढलेला आहे त्या कायदा विरुद्ध पंजाब, हरियाणा व राजस्थान या अनेक राज्यातून जे शेतकरी दिल्ली येथे दाखल झालेले आहेत त्याकरिता वंदनीय बच्चूभाऊ यांनीसुद्धा टू व्हीलरने त्या ठिकाणी प्रहार संघटनेचे संपूर्ण कार्यकर्ते घेऊन दिल्लीसाठी टू व्हीलरने अहोरात्र गाडी चालवत, स्वतः राज्यमंत्री असतानासुद्धा गाडी चालवत त्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न आहे। आणि आज जो 7-12 वाचवण्यासाठी 8-12 भारत जो बंद करण्याचा निर्णय या ठिकाणी सर्व पक्षीयांनी घेतलेला आहे त्यामध्ये महाविकास आघाडीसुद्धा आम्हीसुद्धा असून त्यात प्रहार जनशक्ती पक्ष दिग्रज तालुक्याच्या वतीने सुद्धा पाठिंबा त्या ठिकाणी आम्ही दर्शवलेला आहे। आणि शेतकऱ्यावर ज्या ज्या वेळेस अन्याय होईल त्या त्या वेळेस प्रहार जनशक्ती पक्ष हा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत। नरेंद्रजी मोदी आपल्या देशाचे पंतप्रधान हे त्या शेतकऱ्यांना संबोधित करण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी जात नाही आहेत। मोदीजी और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल को इतनी क्या जल्दी थी कि कोरोना जैसी महाबीमारी के लड़ने के बावजूद भी उन्होंने चुपके से इस किसान विरोधी कायदे को मंजूर कर लिया। इस किसान विरोधी कायदे का अमल बजाने का मतलब है किसानों की लूट। मैं यह नहीं कहता कि आज किसानों की लूट नहीं हो रही है, लेकिन अगर यह कायदा पास हो गया, इसकी अमल बजानी शुरू हो गई तो किसानों की लूट नहीं महालूट होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यवतमाल जिले के साथ ही दिग्रज शहर में भारत बंद की पहल को काबिले और गौर प्रतिसाद मिला है। कपड़ा मार्केट, किराना मार्केट, फल मार्केट और विभिन्न चौक चौराहों की बंद दुकानों और साफ तौर पर रास्तों पर नजर आ रही राहगीरों की कमी से बंद को मिले समर्थन का अंदाज लगाया जा सकता है। बहरहाल कथित किसान विरोधी कानून खिलाफ दिग्रज शहर में गुरुवार को किए गए प्रदर्शन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तिलक राठौड़ तहसील अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के शेखर ठाकरे तहसील अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संगठना के गजानन गंडारे, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के सचिन इंगोले, महाविकास आघाड़ी के शंकर जाधव, सुधाकर जाधव, सुधीर देशमुख, राजेश चौहान, सलीम खान, नगर सेवक केतन रत्न पारखी, नगर सेवक सैयद अकरम, भारत पाटिल, अरबाज धारीवाला, यादव गावड़े, दिनेश सुकोड़े, भारतीय युवा मोर्चा विनोद उबाड़े, प्रहार संगठना दिग्रज के धीरज आड़े, इमरान खान, अश्विन इंगड़े आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। NBC न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट, दिग्रज।